तो हम बता रहे थे कि यादव दास उनको बताए कि आप गुद्रु में वैष्णव लोग रहते हैं, वहाँ पर चल करके हम उनसे प्रश्न करेंगे। वहाँ पर बहुत से पंडित लोग गए थे तर्क करने के लिए वैष्णव दास बाबा जी से, तो वैष्णव दास बाबा जी ने सारे ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था। आपके जो प्रश्न हैं वहाँ पर करने से सारे मीमांसा आपके दूर हो जाएगी। सुबह के टाइम में नाश्ता वगैरह करके यादव दास और चंडीदास गंगा पार हो रहे हैं। चंडीदास की पत्नी जो थी वह एखन शुद्ध वैष्णव सेवा करिए छन, वह अब इस समय जो है शुद्ध वैष्णव की सेवा कर रही हैं। ताहर हृदय कृपणता लघु है, जैसे उनके हृदय में जो कृपणता थी वह थोड़ा कम हुआ है। तिनी कहिलेन, दमयंती बोलती है कि आमियो अपना दे संगे श्री गोद्रु में जाइब, मैं भी आप लोगों के साथ गोद्रु में चलना चाहती हूँ। यादव दास कहिलेन, यादव दास बताते हैं कि तथाकार वैष्णवगण गृहस्थ न है, वहाँ के जो वैष्णव लोग हैं वो गृहस्थी नहीं है, प्राय निरपेक्ष गृह त्यागी, वो सारे के सारे लगभग निरपेक्ष हैं और गृह त्यागी हैं। तुम्हें संगे गेले पाछे तहारा असुखी हों, आमी आशंका करी, बता रहे हैं कि मेरी आशंका है कि तुम संग में जाओगी तो बाद में वह लोग दुखी होंगे। दमयंती कहलन, आमी दूरे थकिया तहा दिख के दंडवत प्रणाम करीब, मैं दूर में ही रह करके उन लोगों को दंडवत प्रणाम करूँगी। तहा देर कुंजेर मध्य प्रवेश करीब ना, उन लोगों के कुंज में मैं नहीं जाऊंगी। याद आमी वृद्धा अमार पति तहारा कखनी क्रुद्ध है बनना, मैं तो वृद्धा हो गई हूँ, मेरे प्रति वो लोग कभी क्रोध नहीं करेंगे। यादव दास कहलन, शेखाने कौन स्त्री लोग के जवा रीति नहीं, वहाँ पर कोई भी स्त्री लोगों की जाने की रीति नहीं है, तुम्हें वरन तत्निकटस्थ कौन स्थाने बसिया थक दे, तुम अच्छा होगा कि तुम वहाँ पर किसी स्थान पर बैठ करके पास में बैठना, हमारा आशीर्वाद समय तुम्हारे ले आशीब, हम लोग आते समय तुमको लेके आएंगे। तीन प्रहर बेलार पर तहारा निर तीन जने गंगा बालुकार उत्तीर्ण हैया प्रदुम्न कुंज निकट पहुँचलन, तीन प्रहर में वह लोग गंगा का बालू पार करके वह लोग प्रदुम्न कुंज के निकट पहुँचे। दमयंती कुंज द्वारे साष्टांग दंडवत प्रणाम करिया एक पुरातन बट वृक्ष निकट बसलन। दमयंती जो थी चंडीदास की पत्नी वह कुंज को साष्टांग प्रणाम की और एक पुरातन वृक्ष था, पुराना वृक्ष, तो उसके नीचे ही जाकर के बैठ गई। यादव दास व चंडीदास कुंज मध्य प्रविष्ट हैया माधवी मालती मंडपे ऊपर उपविष्ट वैष्णव मंडली के भक्तिपूर्वक दंडवत प्रणाम करिलेन, बता रहे हैं कि यादव दास और चंडीदास कुंज में वहाँ पर प्रवेश किए और माधवी मालती जो मंडप है उसके ऊपर जो वैष्णव लोग बैठे थे उनको श्रद्धा के साथ दोनों जन दंडवत प्रणाम किए। श्री परमहंस बाबा जी बसिया अच्छन तहार चतुष्पार्श्वे वैष्णव दास लहाड़ी महाशय आनंद दास बाबा जी प्रवृत्ति अनेकी बसिया अच्छन, वह मंडप में परमहंस बाबा जी महाराज बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ वैष्णव दास लहाड़ी महाशय आनंद दास बाबा जी महाराज इत्यादि इत्यादि बहुत से वैष्णव लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तारा निकटे गया यादव दास कहलन, चंडीदासो तत्पार्श्वे बसिलन, उनके पास में जाकर के यादव दास ने बोले और चंडीदास भी जाकर के उनके पास में बैठ गए। आनंद दास बाबा जी महाशय जिज्ञासा करिलेन, ए नूतन लोकटी के, आनंद दास बाबा जी महाराज पूछते हैं ये जो नए लोग आए हैं ये कौन हैं,
यादवदास चंडीदास से समस्त वृत्तांत बलि लेंगे। यादवदास जो थे वो सात चंडीदास के सारी वृत्तांत सुनाए। अनंतदास बाबा जी एक टू हास्य करिया बोली लेन, एक टू हंस करके और बोले हा संसार इहाई के बोले। तब उन्होंने बोला, जब उनकी कहानी सुन लिए, सुनने के बाद बोलते हैं अनंतदास बाबा जी महाराज, बोलते संसार इसी को ही बोलते हैं। जिन्हें संसार के चिन्हते पारण तेने बुद्धिमान, जो संसार को पहचान सकते हैं कि संसार क्या चीज़ है वही बुद्धिमान है, और जो संसार को पहचान नहीं सकते वह पशु के समान हैं। जिन्हें संसार चक्र पड़िया थाकेन तेनी सोच्य, जो संसार के चक्र में पड़े रहते हैं वह उनके विषय में बता रहे वही स्वच्छ है, वही पशु के समान है। धर्म नहीं ना पशु भी समान है, जो संसार में फंसे रहते हैं उनको पशु के नर पशु के समान ही शास्त्र में बोला गया है। चंडीदास रे मन क्रमशः निर्मल है अच्छे, ये बात सुनकर के चंडीदास का जो मन है वह थोड़ा सा निर्मल हुआ। नित्य सुकृति कर ले अवश्य मंगल है, नित्य सुकृति जब प्राप्त होती है करने से अवश्य ही मंगल होता है। लेकिन हम लोग सुकृति कहाँ करते हैं, सुकृति करने का फायदा भी नहीं समझते हैं और सुकृति करते भी नहीं हैं, और उल्टा सुकृति के बदले दुष्कृति हमारी पैदा होती है, ज़्यादातर यही देखा जाता है संसार में। वैष्णव सत्कार, वैष्णव ग्रंथ पाठ व श्रवण इत्यादि नित्य सुकृति, वैष्णवों का सत्कार, वैष्णवों के ग्रंथ पढ़ना और श्रवण करना इत्यादि नित्य सुकृति होती है। ताहा करते करते चित्त निर्मल हैया जाए, यह करते करते चित्त जो है मन जो है निर्मल हो जाता है। अनन्य भक्ति ते सजे सहजे ही श्रद्धा उदय है, अनन्य भक्ति से जब वो चित्त निर्मल हो जाती है तब अनन्य भक्ति उदित होती है, और अनन्य भक्ति जब सहज में प्राप्त हो जाती है तब सहज में ही श्रद्धा उदित हो जाती है। से दिन चंडीदास श्री अनंतदास बाबा जी महाशय कथाठी श्रवण करिया आर्ध हृदय बलिलन, उस दिन चंडीदास ने अनंतदास बाबा जी की बातों को सुन करके और मतलब दुखी हृदय से उन्होंने अनंतदास बाबा जी से बोले, आज आमी अपना निकट यही प्रार्थना करी जे अनुग्रह करिया अमा के संसार जे की वस्तु तहा स्पष्ट करिया बोलून। बोल रहे हैं कि आज मैं आपके पास यह प्रार्थना लेकर आया हूँ, अनुग्रह करके आप मुझे बताइए कि संसार जो है वो क्या है, कौन सी वस्तु है, इसको स्पष्ट करके मुझे समझाइए। अनंतदास चंडीदास तुम्हार प्रश्न थी गंभीर, आपके बोलते हैं चंडीदास आपके जो प्रश्न है बहुत ही गंभीर से हैं। आमी इच्छा करी है परमहंस बाबाजी महाशय न वैष्णवदास बाबाजी महाशय यही प्रश्न उत्तर दान करूँ, बताने का बहुत ही गंभीर आपकी प्रश्न, इसलिए मेरी इच्छा यह है कि परमहंसदास बाबाजी महाराज या वैष्णवदास बाबाजी महाराज इसके इस प्रश्न के उत्तर दें। श्री परमहंस बाबा जी प्रश्न थी जे रूप गंभीर, श्री अनंतदास बाबा जी महाशय तद्रूप युक्त उत्तरदाता बता रहे। परमहंस दास बाबा जी महाराज बोलते हैं परमहंस प्रश्न जिस प्रकार से गंभीर जो है अनंतदास बाबा जी भी उसी अनुसार उत्तरदाता प्रयुक्त उत्तरदाता हैं। अद्य अमरा सकली बाबा जी महाशय उपदेश कर श्रवण कर, इसलिए आज हम लोग सारे लोग मिलकर के अनंतदास बाबा जी महाशय का ही कथा को श्रवण करेंगे। अनंतदास बाबा जी महाशय बताते हैं
আপনাদের যখন আজ্ঞা পাইলাম তখন অবশ্যই আমি যাহা জানি তাহা বলিব। বলতে হ্যাঁ কি আপ লোক কা মে আজ্ঞা জব পা লিয়া, আপ লোক কা আজ্ঞা জব মুঝে মিল গিয়া তো অবশ্যই মে জো জানতা হুঁ ওয়া অবশ্যই বলুঙ্গা। আমি আগ্রে ভগবত পার্ষদ পর্ব শ্রী প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী শ্রী গুরুদেবের পাদ পদ্ম স্মরণ করতেছি। বলতে মে পহলে ভগবত পার্ষদ প্রবর শ্রেষ্ঠ শ্রী প্রদ্যুম্ন দাস ব্রহ্মচারী গুরুদেবকে চরণো কা মে স্মরণ করতা হুঁ। জীবের দুইটি দশা অস্পষ্ট দেখা যায়, ইহা বতা রে উত্তর মে কি জীব কা দু প্রকার কে দশা কো অস্পষ্ট রূপ সে দেখা যাতা হ্যা, মুক্ত দশা ও সংসারবদ্ধ দশা। মুক্ত দশা আর দূসরা সংসার আবদ্ধ দশা। শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত জীব তিনি কখনই মায়াবদ্ধ হন নাই। যে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত জীব হ্যাঁ ও কভি ভি মায়াবদ্ধ নহি হতে, বা কৃষ্ণ কৃপা মাইক জগত হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, অথবা কৃষ্ণ কৃপা সে ইস মাইক জগত সে ও পরিপূর্ণ রূপ সে মুক্ত হুয়ে হ্যাঁ। তিনি মুক্ত জীব, যে মুক্ত হুয়ে হ্যাঁ কৃষ্ণ ভক্ত ওই মুক্ত জীব হ্যাঁ, এবং তাহার দশাই মুক্ত দশা, এবং উনকি দশাই মুক্ত দশা হ্যাঁ। কৃষ্ণ বহির্মুখ হইয়া অনাদি মায়ার কবলে যিনি পড়িয়া আছেন তিনি বদ্ধ জীব, এবং তাহার দশাই সংসার দশা। বতা রে কি যে কৃষ্ণ বহির্মুখ কৃষ্ণ কো ভুল করকে সংসার মে আবদ্ধ হুয়ে হ্যাঁ, অনাদিকাল সে মায়া মে মায়া কে গোদ মে বেঠে হুয়ে হ্যাঁ, তিনি বদ্ধ জীব, ওই যো হ্যাঁ বদ্ধ জীব হ্যাঁ। এবং তাহার দশাই সংসার দশা, এবং উনি কি যে দশা হ্যাঁ সংসার দশা হ্যাঁ। যে মায়া মে আবদ্ধ হোকর কে সংসার মে ফসে হুয়ে হ্যাঁ উনি কা হি সংসার দশা বতা রে হ্যাঁ। যে ভগবান কো ভুল করকে ভগবান কে মায়া মে ফসে হুয়ে হ্যাঁ আর ভগবান কো যাদ নেই করতে, ভগবান কা ভজন নেই করতে, শুদ্ধ আশ্রয় গ্রহণ নেই করতে, ওই সংসার দশা মে পড়ে হ্যাঁ, বাকি কই নেই। কিন্তু আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি তজে আর সম মরে অকারণ। যে শুদ্ধ বৈষ্ণব সদগুরু কা আশ্রয় লে করকে কৃষ্ণ উন্মুখ হোকর কে ভজন করতা হ্যাঁ, ওহ কভি দুঃখী আর ভগবান উসকো কভি ত্যাগ নেই করতে, ভগবান উসকা উদ্ধার করতে হ্যাঁ। কিসি ভি অবস্থা মে ও হ্যায় তো ভগবান উসকা উদ্ধার অবশ্যই করতে হ্যাঁ, কিন্তু ও সদগুরু আশ্রয় গ্রহণ কর চুকা হ্যায়, ভগবান কে উন্মুখ হো চুকা হ্যায়। লেকিন যো জীব শুদ্ধ বৈষ্ণব সদগুরু আশ্রয় গ্রহণ ন করকে মাই গুরু কা আশ্রয় গ্রহণ কিয়ে হ্যাঁ ইয়া নহি কিয়ে হ্যাঁ, ও সংসার মে আবদ্ধ হ্যাঁ, উনি কি সংসার দশা ইহা পে বতা রে হ্যাঁ। মায়ামুক্ত জীব চিন্ময় ও কৃষ্ণ দাসই তাহার জীবন। মায়ামুক্ত যে জীব হ্যাঁ, মায়া সে যে মুক্ত মুক্ত হয়ে চুকে হ্যাঁ জীব, ওই চিন্ময় জীব হ্যাঁ, উনি ওই চিন্ময় আত্মা হ্যাঁ আর ওই কৃষ্ণকে নিত্য দাস হ্যাঁ। তাহারি কৃষ্ণ কা দাসই উনকা একমাত্র জীবন হ্যায়। জড় জগতে তাহার অবস্থিতি নহে, ইস জড় জগত মে উনকা স্থান নহি হ্যায়। কেন বিশুদ্ধ চিত্ত জগতে তিনি অবস্থিত, যে শুদ্ধ বৈষ্ণব লোক হ্যাঁ ও বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ চিত্ত জগত মে ও অবস্থান করতে হ্যাঁ। সেই চিত্ত জগতে নাম গোলোক, ও চিত্ত জগত কা নাম ক্যা হ্যায়, গোলোক হ্যায় ধাম হ্যায় বৈকুণ্ঠ হ্যায় বৃন্দাবন ইত্যাদি হ্যায়। মায়ামুক্ত জীবের সংখ্যা অনন্ত, মায়ামুক্ত যে জীব হ্যাঁ উনকি সংখ্যা অনন্ত হ্যায়। মায়া
बद्ध जीव संख्या अनंत, जो मायाबद्ध जीव हैं उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, ये नहीं कि उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, अनंत संख्या है। कृष्ण बहिर्मुक्ता दोषे कृष्णेर छाया शक्ति जे माया तिनी तहा के निजिर था सत्य रज व तमोगुने आबद्ध करियछेन। बता रहे हैं कि कृष्ण के विमुख होने के कारण, कृष्ण को भूलने के कारण, इस दोष के कारण ही कृष्ण की जो छाया शक्ति है, जो माया, वह उनको अपने तीन रस्सियों में बांध करके रखी है, सतगुण रजोगुण और तमोगुण में हमेशा आबद्ध करके रखी है ऐसे लोगों को। गुणेर तारतम्य अवस्था बद्ध जीवर अवस्था विचित्र हया छे, गुण के तारतम्य के अनुसार ही बद्ध जीव की जो अवस्था है विचित्र रूप से देखा जाता है। विचित्रता विचार करिया देखुन, जो विचित्रता इन लोगों की वह विचार करके देखिए कैसा है। जीवेर शरीरे विचित्रता, भावेर विचित्रता, रूपेर विचित्रता, स्वभावेर विचित्रता, स्थानेर विचित्रता व गतिर विचित्रता। बता रहा जीव का जो शरीर है वह भी विचित्र, तमाम प्रकार के शरीर है, भाव भी विचित्र है लोगों का, रूप भी अलग अलग है, स्वभाव भी अलग अलग है, स्थान भी अलग अलग है और गति भी अलग अलग है। जीव संसारे प्रवेश पूर्वक एक नूतन रकम आमित्व वरण करिया छे, जीव जो है संसार में प्रवेश करके इस माया में पड़ करके क्या किया है, एक नया नया जो है आमित्व, मैं हूँ, इसी को वरण किया है। हम हैं या मैं हूँ, मैं और तुम, ये जो है ये मेरा है, ये तुम्हारा, ये जो आमित्व है मैं हूँ, इसको उसने वरण किया है। शुद्ध अवस्था आमी कृष्णदास ए रूप आमित्वर अभिमान छिलो, जब तक जीव शुद्ध अवस्था में था तब तक वह कृष्णदास के रूप में अब उसके उसका अभिमान था कि मैं कृष्ण का दास हूँ, दासो अहम रघुनंदन, हनुमान जी ने बताया। तो जो शुद्ध वैष्णव हैं वो सब समय भगवान के दास ही समझते हैं, लेकिन बता रहे हैं एखो नामी मनुष्य, आमी देवता, आमी पशु, आमी राजा, आमी ब्राह्मण, आमी चंडाल, आमी पीड़ित, आमी क्रोधित, आमी अपमानित, आमी दाता, आमी पति, आमी पत्नी, आमी पिता, आमी पुत्र, आमी शत्रु, आमी मित्र, आमी पंडित, आमी रूपवान, आमी धनी, आमी दरिद्र, आमी सुखी, आमी दुखी, आमी वीर, आमी दुर्बल, बहुत से प्रकार से, मतलब इसका बताते हैं कि जब वह जब तक वो शुद्ध अवस्था में था तब तक उसके पास कृष्ण का दास का अभिमान था, लेकिन जब वह इस माया में पड़ गया तब वह क्या अभिमान हो गया कि मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं पशु हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चंडाल हूँ, मैं दुखी हूँ, पीड़ित, मुझे दर्द है, मैं मुझे भूख लगी है, मैं अपमानित होता हूँ, मैं दाता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं शत्रु हूँ, मैं मित्र हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं वीर हूँ और मैं दुर्बल हूँ, दुर्बल मतलब कमजोर हूँ। यही रूप कतो रकम आमित्व है अच्छे, इस प्रकार से कितने प्रकार के आमित्व, मतलब मैं वरण किए हुए हम लोग, यह नाम अहंता, इसी का नाम अहंकार है। और ममता बलिया आर एक्टिव व्यापार अच्छे, ममता बोल करके एक और चीज है, अमार गृह, अमार द्रव्य, अमार धन, अमार शरीर, अमार पुत्र कन्या,
अमार पत्नी, अमार पति, अमार पिता, अमार माता, अमार वर्ण, अमार जाति, अमार बल, अमार रूप, अमार गुण, अमार विद्या, अमार वैराग्य, अमार ज्ञान, अमार कर्म, अमार संपत्ति, अमार अधीन, जन गण इत्यादि कतो प्रकार अमार आया। यानी बोल रहे ममता बोल करके एक और अभिमान है, वो क्या है, मेरा घर है, मेरा द्रव्य, मेरा सामान है, मेरा धन है, मेरा शरीर है, मेरा पुत्र है, कन्या है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, हमारे पिता हैं, हमारी माता है, हमारा वर्ण है, जाति है, मेरा बल है, मेरा रूप है, मेरा गुण है, मेरा विद्या है, मेरा वैराग्य है, मेरा ज्ञान है, मेरा कर्म है, हमार संपत्ति है, मेरी संपत्ति है, मेरे अधीन जन लोग हैं इत्यादि। कितने प्रकार के अमार हयस है, कितने प्रकार के चीज हम लोगों का हुआ है, मेरा हुआ है। आमियो अमार लैया जे एक प्रकांड व्यापार देखा जाते छे तार नाम संसार। आमी मैं और मेरा भूल करके जो एक प्रकांड व्यापार है, मतलब विशाल बहुत बड़ा मतलब व्यापार है देखा जाता है, उसी का नाम संसार है। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। अंचा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधु बीच पतितानांग पावने भो वैष्णव भो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना कि ज़्यादा से ज़्यादा YouTube को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और पेज को फॉलो करें, जिससे सारे लोग इस चर्चा का आनंद उठा सकें और आप लोगों के साथ साथ मेरा भी आनंद हो सके। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा YouTube पर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चर्चा को सुन सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।